अगर ये गद्दारी पूरे राज्य ने और देश ने खुलेआम देखी है तो ये जो बात होगी विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने की, हाँ ये अदालत चलेगी, वो अदालत भी जनता को देखने दीजिए कौन कितना झूठ बोल। राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्स साठी सरकारनामाला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा। तो महाराष्ट्र की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार ने लेटर लिखा है नार्वेकर जी को, जो स्पीकर हैं, कि ये जो एमएलएस हैं, शिवसेना के जो एमएलएस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की जो हियरिंग है वो बकायदा ऑनलाइन की जाए ताकि महाराष्ट्र भी उसको देखे, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिबेलियन हुआ था महाराष्ट्र में। किस तरह से देखते हैं आप? सूचना गलत नहीं है, सूचना गलत नहीं है। अगर ये गद्दारी पूरे राज्य ने और देश ने खुलेआम देखी है तो ये जो बात होगी विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने की, हाँ ये अदालत चलेगी, वो अदालत भी जनता को देखने दीजिए कौन कितना झूठ बोल रहा है, ये मक्कार लोग कैसे क्या अपनी बात रखते हैं, ये लोगों को सुनने दो। चलिए, किसी तरह का टाइम लिमिट अभी तक नहीं दिया गया है इसको लेके, बकायदा दो एक डेढ़ हफ्ते पहले हमने देखा था कि कोर्ट की तरफ से भी कुछ संज्ञान लिया गया था, पर अभी तक जो स्पीकर है उसके लिए कोई टाइम लिमिट अभी तक सेट नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर जहां जा बैठे हैं, मैं स्पीकर की बात करता, राज्य हो या दिल्ली हो, जहां जा स्पीकर बैठे हैं उनकी काम करने की स्टाइल यही है। हम देखना चाहते हैं दिल्ली में रमेश बिदुड़े के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, यही बात है, वहां भी स्पीकर है। और महाराष्ट्र में जो कानून का और संविधान का उल्लंघन हुआ है खुलेआम, उस मामले में 6-7 महीने से जो यहाँ के स्पीकर जो राजनीतिक खेल कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अगर महाराष्ट्र के स्पीकर अपने आप को बादशाह मानते हैं और मैं जो करूंगा वही होगा तो ये बादशाही एक दिन खत्म हो। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।